कुम वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर न्यू ब्लॉग तो कैसे हो आप सब ब्लॉग और कैसा चल रहा है आप लोगों का क्वारंटाइन लॉकडाउन में क्या हो रहा है और मज़े मजे के खाने बना रहे हो या नहीं और क्या भला कुछ इंटरेस्टिंग किया है इन डेज़ में आप लोगों ने मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा और चलिए जी करते हैं ब्लॉग शुरू तो आज का जो ब्लॉग है वो मैं शुरू कर रही हूँ चाय से शाम की चाय से हम लोग पहले जो है ना वो रेगुलर चाय पीते थे सर्दियों में मैक्सिमम रेगुलर हो जाती है हमारी क्योंकि हम लोगों को चाय बहुत पसंद है इस वजह से आजकल गर्मी शुरू हो गई है तो इस वजह से दोपहर टाइम जो है ना वो हम चाय ज़्यादा नहीं पीते लेकिन आ, जैसे आ, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्प्रे करवाई थी तो इस वजह से जो मुंह का टेस्ट है ना वो बहुत कड़वा सा हुआ था ए, कुछ अजीब सा ही हुआ था इस वजह से फिर अबू ने बोला कि चलो गर्मा गर्म जलेबी निकलवा तो के लाता हूँ तो वही अबू लेके आए थे और फिर हम लोगों ने मज़े मज़े की जो गरम गरम जलेबियाँ ना वो चाय के अंदर मैं तो चाय के अंदर डाल के खाती हूँ मुझे वैसे पसंद है और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी पसंद है तो फिर हम लोगों ने खाई और उसके बाद हम लोगों ने लॉन के जो ड्रेसेस हैं वो निकाल लिए थे क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना <laughs> पिछली से पिछली वीडियो में आई थिंक के जब लॉन के कपड़े खुलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि अम्मी कहती हैं कि पेटी में ही ज़्यादा सेफ़ रहते हैं और अलमारियों में फिर भी डस्ट वगैरह के ऊपर पड़ी जाती है कपड़ों के ऊपर तो चाय पीने के पहले ही हम लोगों ने वो निकाल लिए थे और चाय पी के फिर मैंने सारा जो है ना वो कपड़े वगैरह जो है अरेंज किए थे क्योंकि गर्मी जो है वो अचानक की काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और कुछ कपड़े जो हैं वो अबू और भाई लोगों के जो हैं वो मैंने प्रेस भी कर दिए थे ताकि नेक्स्ट डे जो है वो कोई इशू ना हो कपड़े वगैरह अरेंज करते करते जो है वो रात हो गई थी तो अबू जो हैं वो गए हुए थे बाजार तो वो आते हुए ले आए थे दो सालन हम लोग कभी कभी बाहर से मंगवा लेते हैं लेकिन मुझे लगता है जो अबू का दिल है ना वो खुद ही कर रहा था कुछ खाने का तो अबू ले आए थे एक चना प्लस चिकन चने की दाल प्लस चिकन और आलू अंडे हम लोगों ने घर में बनाए थे दही बड़े और साथ में बनाए थे ग्रीन चने और आलू तो मुझे जो है वो आलू अंडे बहुत पसंद है और वैसे भी इनके अंदर जो है ना वो ग्रीन चिली जो है ना वो कूट कूट के भरी हुई थी इतनी ज़्यादा कि अब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना तो सबज मिर्च देख के ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है कसम से तो मैंने जो है वो आलू आंडे खाए थे बहुत मज़े के थे बहुत मज़े के थे माशाल्लाह मैंने बाकी सारा सामान भी चखा था खाना चखा था लेकिन जो खाए थे वो आलू अंडे ही खाए थे जो मैंने आप लोगों को चांद जो है ना वो दिखाया था ना उसके नीचे छोटू सा पतंग भी था पता नहीं कौन इतनी रात को उड़ा रहा था मेरे ख्याल से हम लोगों ने देखा था साढ़े आठ बजे उसके बाद जो है वो हम लोग ये खाना खाने लग गए थे तो वो जो पतंग है ना वो रात के दस बजे तक उड़ता रहा फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ना उसको उसका ना कोई हल निकालते हैं कि देखते हैं कोई उड़ा रहा है या फिर कहीं पे फंसा हुआ है तो मैंने अपने छोटे भाइयों को बोला चलो उठ जाओ हूँ जो खाना हो थोड़ा हजम कर लो नाले आप पता करिए कि पतंग उड़न दिया हुआ कि फंसा हुआ वा तो फिर वही हम लोग ये आधी रात को मैक्सिमम टाइम था टेन थर्टी होने वाले थे तब हम लोग ये अपना जो पतंग है ना वो ठीक कर रहे थे और इसको उड़ाने लगे थे तो ये जो भाई है ना बैठा पतंग ठीक कर रहा है ये इसको डिसाइड करना था कि कौन सी जो चरखी है ना मीन्स डोर उसके साथ उड़ाना है तो वो कह रहा था सारी लाके यहाँ पर रखो मैं कहा तू रात में रहा ना आप जेडा मैं तेन काम किया वो कर लें तो वो कहता अच्छा मेरी अम्मा आ, मेरी जो है ना वो मेरे भाइयों के साथ ऐसे ही है जैसे आ, मैं भी एक लड़का ही हूँ क्योंकि तो सिस्टर तो है नहीं तो हम लोग ना एक दूसरे के साथ चौबीस घंटे लड़ते भी हैं एक दूसरे को तंग भी करते हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोगों के ना अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा हम चारों बहन भाइयों की तो जो थोड़े से मॉडर्न लोग होते हैं ना उनकी ये सोच होती है हो है ए, तुम अपने भाइयों के साथ लड़ती हो तुम लोग तुम्हें शर्म नहीं आती ये है वो है ब्ला 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 तो ए, मैं उनको कुछ नहीं कहती हूँ और अपने दिल में यही कहती हूँ कि थानू तो की तकलीफ़ आ मेरे भ्रा ना मैं जी कुछ मर्जी करा मैं उन्होंने भैन और मेरे ना जी कुछ मर्जी करन तो मीन हमारी ये लड़ाई नहीं होती कि जी हम लोग एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दें वैसे होती है मतलब बातूनी लड़ाई होती है वो तो मेरे ख़्याल से जो लोग प्यार नहीं करते हैं उनके अंदर नहीं होती होगी उनकी लड़ाई नहीं होती होगी और जो बहन भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं उनकी लड़ाई तो मेरे ख्याल से लाजमी होती होगी दिन में यही कोई चार बाँध बार है ना <laughs> तो मेरी तो बहुत ज़्यादा होती है फिर जो हम लोगों ने पतंग है वो उड़ाया ए, उस बात पे आते हैं बाकी बाद में सही तो जो पतंग है ना वो कट गया था फिर मेरे भाई कहते हैं कि शायद वो ना कहीं अटका हुआ था इस वजह से आसानी से कट गया है तो ये जो है टॉर्च ये हम लोग लेके आए थे वो जो पतंग उड़ रहा था ना वो था शॉपर का और हमारा जो था वो कागज़ का था वो ऐसे ना नज़र नहीं आ रहा था इस वजह से हम लोगों को टॉर्च की ज़रूरत पड़ रही थी तो फिर हम लोगों को लगी थी बुक फिर दोबारा मैंने ना ये कुछ मंगवा के रखा होता है तो कुछ ना कुछ खाने के लिए तो मेरा भाई कहता है चलो निकालो सारा कुछ मैंने मतलब कोई चीज़ खानी है फिर मेरा भी दिल किया कि मैं भी कुछ खा लेती हूँ तो यहाँ पे मैं करती हूँ अपना व्लॉग एंड खाते खाते अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़